बुखार की चपेट में आने से 13 बच्चे बीमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, शाहबाद से सामने आ रही है। शाहबाद नगर में स्थित आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 13 बच्चों की हालत बिगड़ी, बच्चों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। शाहबाद नगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आज 13 बच्चों को अचानक एक साफ बुखार आने से विद्यालय में हड़कंप मच गया, जिसके बाद विद्यालय की वार्डन सुप्रिया ने बच्चों को एम्बुलेंस के द्वारा शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। सभी बच्चों का ब्लड सैंपल लिया गया, जिसमें एक बच्ची मलेरिया पॉजिटिव पाई गई। वहीं देवशिखा और काजल की हालत गंभीर बताई, ये डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि बच्चों का इलाज किया जा रहा है। वहीं जानकारी मिली है कि बच्चों को कल से बुखार आ रहा था, लेकिन वार्डन की लापरवाही के चलते अन्य बच्चे भी बुखार की चपेट में आ गए। फिलहाल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बुखार का कहर टूट पड़ा है। लगभग 7:45 बजे सरकारी एम्बुलेंस 108 के द्वारा 13 लड़कियां कस्तूरबा गांधी विद्यालय की सरकारी अस्पताल शाहबाद में लाई गई। इसमें कुछ बच्चे पलटी कर रहे थे, कुछ को बुखार है और लगभग सामान्य अवस्था में हैं ये सारे बच्चे। सभी बच्चों की मलेरिया की जाँच करवाई गई। इसमें एक बच्ची जिसका नाम इरम है, उसको मलेरिया पॉजिटिव आया है, और दूसरी एक बच्ची है दीप शिखा, उसको जो है यहाँ भर्ती कराया गया है।